हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी में लेखपाल रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्य शुद्धि। दोस्तों, आज हिंदी की यह अंतिम क्लास है। इससे पहले यूपी लेखपाल में जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं वो सब पढ़ाए जा चुके हैं। आप पीछे जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वह प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वह टेट सीटेट या सुपर टेट आप दे रहे हों या फिर आरओ का एग्जाम दे रहे हों, वहाँ इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि और इससे संबंधित नियमों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सूक्ष्म इकाई है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन अगर बात कही जाए कि भाषा की सूक्ष्म इकाई जिसे हम लिख सकते हैं, वह दोस्तों वर्ण है। अगर सार्थक इकाई की बात की जाए तो वह शब्द होता है। तो दोस्तों, वर्ण से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो दोस्तों, वाक्य शुद्धि में वर्ण वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है, अनुमिति संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है, और अन्य अशुद्धियों की बात की जाए तो उसमें परसर्ग संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, संधि संबंधी, समाज संबंधी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम वचन, लिंग, संधि, समाज, शब्द शुद्धि, अगर बात करें वर्तनी शुद्धि, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। यही कारण है कि इसे हमने लाइव अंत में चुना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आते हैं पद क्रम संबंधी नियमों की बात करते हैं कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं और इससे संबंधित अशुद्धियाँ कैसे हो सकती हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अशुद्धियाँ होने का मेन कारण है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के लिए। दूसरे कारण है वो तो वर्तनी के एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम वाक्य संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो व्याकरणिक नियमों का अभाव या कहें अज्ञानता ही हमारे इस अशुद्धि का प्रमुख कारण है। ध्यान दीजिएगा, व्याकरणिक नियमों की कहें अज्ञानता ही इसके लिए मुख्य वजह है कि हम ये सब अशुद्धियां करते हैं या हमसे ये सारी अशुद्धियां होती हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें इसके पहले नियम की, तो हम देख रहे हैं वाक्य में पहले कर्ता, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। अगर वाक्य की बात की जाए तो वाक्य में पहले नंबर पर कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। ध्यान दीजिएगा, यह पद क्रम संबंधी नियम है। पहले क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यही पद क्रम है। जैसे अगर कहें बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं बच्चा जो है यह करता है, दूध यहाँ कर्म है और पीना यहाँ क्रिया है। तो बच्चा दूध पीता है, यह सटीक पद क्रम हुआ। अगर यही किया जाए कि दूध बच्चा पीता है, तो दोस्तों यह जो पद क्रम है यह बदल जाएगा और इस तरह से पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हमें दिखाई देंगे। तो बच्चा दूध पीता है, कर्ता कर्म और क्रिया यह सीक्वेंस होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ आप देख रहे हैं राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारना यहाँ क्रिया है। तो कर्ता कर्म और अंत में हम देख रहे हैं क्रिया। तो दोस्तों, यह पहला नियम है कि वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि क्रिया अकर्मक है, अकर्मक का अर्थ हुआ कर्महीन, यानी अगर क्रिया में कर्म नहीं है, यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आती है। अगर अकर्मक क्रिया है तो पहले कर्ता होगा और कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आ जाता है, और बीच में ही कर्म आता था तो कर्म है ही नहीं क्योंकि क्रिया यहाँ अकर्मक है। तो पहले कर्ता और फिर क्रिया आता है। जैसे बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है,
यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चा यहाँ करता है और यहाँ खेलना कर यहाँ क्रिया है, इसमें हमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर अकर्मक क्रिया है तो पहले कर्ता फिर क्रिया। जैसे बच्चा खेलता है, वह सोता है, वह क्या हुआ, वह कर्ता हुआ, और सोना यहाँ क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है। तो कर्ता और फिर क्रिया, यह इसका सिक्वेंस है या इसका पदक्रम है। अब हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम कहता है अप्रत्यक्ष कर्म संप्रदान कारक में प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। अप्रत्यक्ष कर्म, ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक में प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। आप कारक पढ़ चुके हैं, आप पिछले एपिसोड में जाकर पुनः कारक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष कर्म संप्रदान कारक में प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। अगर दो कर्म है, एक प्रत्यक्ष कर्म और एक अप्रत्यक्ष कर्म, तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है वह प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। यानी पहले अप्रत्यक्ष कर्म होता है और फिर प्रत्यक्ष कर्म होता है। यहाँ अस्पष्ट हो रहा है। अगर हम बात करें तो कर्ता प्लस अप्रत्यक्ष कर्म प्लस प्रत्यक्ष कर्म और अंत में क्रिया आएगा। इसका सीक्वेंस यही होगा, कर्ता, अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म और फिर क्रिया। इसकी अगर हम बात करें, मोहन ने शीला को किताब दी। आप यहां देख रहे हैं मोहन कर्ता है, शीला यहां अप्रत्यक्ष कर्म है, और जबकि किताब यहां प्रत्यक्ष कर्म है और देना यहाँ क्रिया है। तो हम देख रहे हैं कि शीला और किताब दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किताब देना यह प्रत्यक्ष क्रिया। किताब क्या है? किताब को दिया जा रहा है, यहाँ क्रिया किताब पर प्रभावी है, इसलिए किताब जो है यह प्रत्यक्ष कर्म है और शीला जो है यह अप्रत्यक्ष कर्म बन रही है। तो इस तरह से अगर ऐसा वाक्य, अगर दो कर्म है तो अप्रत्यक्ष कर्म पहले आता है और प्रत्यक्ष कर्म बाद में आता है। जैसे मोहन ने को किताब दी, तो मोहन करता है, शीला यहां अप्रत्यक्ष कर्म है, किताब यहां प्रत्यक्ष कर्म के रूप में उपस्थित है, क्योंकि कि कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव किताब पर पड़ रहा है कि शीला कि मोहन ने शीला को किताब दी। किताब का देना यहां प्रत्यक्ष कर्म है और इस तरह से देख रहे हैं अंत में क्रिया है दी। तो दोस्तों यह तीसरा नियम रहा। चौथे नियम की हम बात करें तो चौथा नियम कह रहा है विस्मयादि बोधक सब वाक्य के आरंभ में आते हैं। यदि विस्मयादि बोधक अगर वाक्य है, अगर शब्द है, तो यह वाक्य के आरंभ में आएगा। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे अगर हम कहें हे भगवान तुमने यह क्या किया, हे भगवान तुमने यह क्या किया, यहां आप देख रहे हैं हे भगवान जो शब्द है यह सब विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां लगा हुआ है। तो हे भगवान यह वाक्य से पहले आया हुआ है, तुमने यह क्या किया। ओह, अगर हम कहें ओह आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं ओह जो आया हुआ है, विस्मयादि बोधक जो शब्द आया हुआ है, आज बहुत गर्मी है कि पहले आया हुआ है। अरे यह तुम हो, तो अरे पहले आ रहा है, अरे विस्मयादि बोधक शब्द है तो अरे पहले आ रहा है, अरे यह तुम हो। तो हम देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक जो वाक्य शब्द होते हैं ये वाक्य के प्रारंभ में या आरंभ में आते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने चार नियम दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर पद क्रम अगर ऐसे नहीं है और दिया हुआ है कि निम्न वाक्य में शुद्ध कीजिए या कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आप पद क्रम देखकर उनका निर्धारण कर सकते हैं कि यह वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। जैसे अगर ओह आज बहुत गर्मी है, अगर यही लिखा हो आज बहुत ओह गर्मी है, यह क्या होगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। हे भगवान तुमने यह क्या किया, अगर यही वाक्य हो जाए तुमने यह हे भगवान क्या किया या हे तुमने यह भगवान क्या किया, तो यह गलत हो जाएगा, यह वाक्य गलत है। हे भगवान तुमने यह क्या किया, दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है कि हे भगवान तुमने यह क्या क्या लिखा हो, लेकिन यहां पर विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह ना हो।
तब भी यह वाक्य क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर है, विस्मयादि बोधक अगर वाक्य बन रहा है तो यह चिन्ह लगना अनिवार्य है। तो दोस्तों यह चार नियम हम यहाँ देख रहे हैं, हम फिर पांचवें नियम पर चलते हैं, देखते हैं इसे संबंधित पांचवा नियम क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम पांचवें नियम की चर्चा करें तो संबंध कारक बताने वाला चिन्ह का के की संबंधित संज्ञा से पहले आता है। यदि संबंध कारक बताने वाला अगर कोई चिन्ह है तो यह संबंधित संज्ञा से पहले आता है। जैसे श्याम का बेटा, श्याम का बेटा, यहां आप देख रहे संबंध कारक बताने वाला चिन्ह संबंधी संज्ञा से पहले आता है। संबंधी संज्ञा क्या है, बेटा है, और का जो चिन्ह है वह बेटे से पहले है, यानी संबंधी संज्ञा से पहले है। श्याम का बेटा, रोहन की किताब, रोहन की। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ किताब संज्ञा है, संबंधित क्या है, किताब यहाँ संज्ञा है, और किस शब्द है इस किताब से पहले आया है। तो दोस्तों संबंधित संज्ञा से पहले संबंध कारक बताने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीला की किताब, तो दोस्तों यह किताब शीला की किताब, तो किताब जो संज्ञा है या संबंधित संज्ञा है, और जो किस शब्द का प्रयोग हुआ है वह संबंधित संज्ञा से पहले हुआ है। श्याम का बेटा, राम का भाई, तो भाई क्या है, संबंधित संज्ञा है, और राम का भाई। तो दोस्तों संबंधित संज्ञा भाई से पहले का प्रयोग किया गया है। इस तरह से यह पांचवा नियम हमारे सामने है। छठा नियम क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हाँ या ना, उत्तर बताने वाले प्रश्नों में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। यदि हाँ या ना अगर उत्तर है, अगर किसी भी चीज का हाँ में या ना में अगर उत्तर दिया जा सकता है, तो क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है यह वाक्य के प्रारंभ में आता है। क्या तुम घर जाओगे, इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। व्यक्ति अगर जिसे पूछा जा रहा है वह हाँ कह सकता है तो इसका सीधा अर्थ होगा वह घर जाएगा, ना कह रहा है तो इसका सीधा अर्थ है वह नहीं जाएगा। क्या तुम घर जाओगे, तो क्या जो प्रश्नवाचक वाक्य है यह वाक्य के पहले जो शब्द है यह वाक्य के पहले है। क्या जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य से पहले, क्या तुम घर जाओगे, तो इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या यह तुम्हारी किताब है, तो हाँ या ना में इसका आंसर दिया जा सकता है, और प्रश्नवाचक जो शब्द है क्या, यह वाक्य के पहले आया है। तो दोस्तों अस्पष्ट हुआ, आगे लिखा है आरंभ में आता है, तथा शेष प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं, जिनका उत्तर अगर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। अगर पूछा जाए वहां पर कौन है, तो हाँ या नहीं इसका आंसर हाँ या नहीं हो सकता है। वहां पर कौन है, तो कौन शब्द बीच में आया, वहां पर कौन है यह बीच में आया हुआ है, और उसे नाम बताना पड़ेगा कि वहां कौन है। यह किसकी किताब है, तो दोस्तों यह किसकी, किसकी जो प्रश्नवाचक शब्द है यह बीच में आया है। यह किसकी किताब है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा जिसकी किताब है, हाँ या ना से यहां आप काम नहीं चला सकते हैं। तो छठवां जो नियम कह रहा है कि यदि हाँ या ना में अगर आंसर देने वाला शब्द है, तो क्या जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के पहले आता है। शेष जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह प्रायः मध्य में आते हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ अपवाद है जिन्हें हम देख लेते हैं। कभी कभी कर्ता पर जब प्रश्न किया जाता है तब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं। जब कर्ता पर प्रश्न किया जाए तब, स्पष्ट हो रहा है, अगर कर्ता पर अगर प्रश्न अगर कर लिया जाए तो कभी कभी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम पूछें आप कैसे जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, तो दोस्तों यहां कैसे शब्द बीच में है, लेकिन अगर मैं पूछूं कौन बोला, स्पष्ट हो रहा है, कौन बोला, यह शब्द अगर कई लोगों की भीड़ है, अगर 10 व्यक्ति अगर यहां खड़े हो या 10 विद्यार्थी अगर यहां खड़े हो, अगर कोई पूछता है कौन बोला, तो यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है यह सीधे कर्ता से पूछा जा रहा है, यानी जो जिस व्यक्ति ने बोला है उससे पूछा जा रहा है कौन बोला। तो दोस्तों यहां कौन जो प्रश्नवाचक जो शब्द है यह वाक्य के पहले प्रयुक्त हुआ है। कारण यह है कि यह सीधे प्रश्न किस पर किया जा रहा है, कर्ता से किया जा रहा है। कौन बोला, किसने कहा, तो दोस्तों किसने कहा, यस, तो इसका आंसर होगा मैंने कहा। तो यह क्या हुआ, यह सीधे कर्ता से प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि अन्य प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सीधे वह प्रश्न जो होता है वह कर्ता को संबोधित करते हुए पूछा जाता है।
तो दोस्तों यह रहा छठा नियम। अगले नियम की बात करें, सातवें नियम की बात करें, तो सातवां नियम कह रहा है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले आते हैं, यह सातवां नियम है। जैसे अगर बात कही जाए वह धीरे धीरे लिख रहा है, अगर हम कहें वह धीरे धीरे लिख रहा है, यहां देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे लिख रहा है, तो लिखना तो यहां क्रिया है, लेकिन यहां क्रिया विशेषण की बात की जा रही है, तो धीरे धीरे, तो क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पूर्व आते हैं। स्पष्ट हुआ, खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना तो यहां क्रिया है, लेकिन तेज दौड़ना, जो तेज शब्द है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह क्रिया विशेषण है और इसका प्रयोग दौड़ने से पहले हुआ है, यानी खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ता से पहले प्रयोग किया गया है तेज शब्द का। दादाजी प्रातः सोकर सैर करने जाते हैं, जैसे अगर वाक्य कहा जाए दादाजी प्रातः सैर करने जाते हैं, यहां हम देख रहे हैं सैर करने जाना, तो यह शब्द समझ में आ रहा है, प्रातः या प्रातः शब्द क्या है, एक विशेषता बता रहा है कि वह सैर करने कब जाते हैं। दादाजी प्रातः यानी सैर करने जानते हैं, इससे पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों सातवां नियम है क्रिया विशेषण का प्रयोग सदैव क्रिया से पहले किया जाता है। आठवां नियम क्या कह रहा है, आठवां नियम कह रहा है आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अगर आपसे कोई आग्रह किया जाए और न वर्ण आ रहा है, न अक्षर अगर आ रहा है, तो आग्रह में न अक्षर जो होता है, अव्यय जो होता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे यदि बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, आठवां क्या है, तुम जाओगे ना, तो यह आग्रह हम कह रहे हैं तुम जाओगे ना, तो यहां जो न शब्द है क्या है, आग्रह कर रहा है व्यक्ति से कि तुम जाओ, तुम जाओगे ना, तो दोस्तों यहां न शब्द क्या है, वाक्य के अंत में आ रहा है, तुम लिखोगे ना, तो यहां न शब्द क्या है, वाक्य के अंत में आ रहा है, तुम खाओगे ना, मैं खाना लाऊं, तुम खाओगे ना, तो यह क्या है, यह आग्रह हम कर रहे हैं तुम्हारे खाना खाने का। तो दोस्तों यहां जो न अव्यय है, इसका प्रयोग जब आग्रह के लिए किया जाता है, तो यह वाक्य के अंत में होता है। अगर यही न का अगर नहीं हो जाए और बीच में आ जाए, तो इसका अर्थ आग्रह करना नहीं होता है, मना करना होता है, निगेटिव निषेधात्मक होता है, तुम नहीं खाओगे, लेकिन तुम खाओगे ना आ गया, इसका मतलब हम आग्रह कर रहे हैं खाने के लिए, यह निषेधात्मक नहीं है, बल्कि यह ना क्या है, आग्रह युक्त है और वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखें, नवा, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होना आवश्यक है। वाक्य के अगर कई सारे वाक्य हैं, तो इनके बीच तर्क संगति होना भी जरूरी है। अगर तर्क संगत वाक्य नहीं है, तो पदक्रम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे अगर कहा जाए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो दोस्तों यहां शुद्ध गाय नहीं है, यह वाक्य क्या है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, यहां होगा यहां गाय का शुद्ध दूध, यह जो शुद्ध शब्द है यह दूध के पास आएगा, और इस तरह से यह तर्क संगत वाक्य होगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह वाक्य नहीं होगा कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय तो शुद्ध ही होगी यार, तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यह पद क्रम में तर्क संगति का होना बहुत जरूरी है, कि अगर हम वाक्य का यदि किसी वाक्य में अगर किसी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग कहां पर किया जाना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है, तो यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह गलत है, पद क्रम या तर्क संगति यहां पर नहीं है, यह होगा यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यही अगर कोई यह कहे कि खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, यह वाक्य क्या हुआ, पदक्रम संबंधी यहां त्रुटि है, यह होगा सब्जी को काटकर खरगोश, सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ,
यहाँ सब्जी काटने की बात है, लेकिन यह क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है कि खरगोश को काट कर सब्जी खिलाओ। लेकिन पदक्रम या तर्क संगति क्या है कि सब्जी काट कर खरगोश को खिलाओ, स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों नवा है वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति का होना आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं है तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां आ जाती हैं। आगे है अन्विति संबंधी नियम। अन्विति का सामान्य अर्थ होता है परस्पर संबद्धता, ध्यान रखिएगा। अन्विति का सामान्य अर्थ होता है मेल यानी जुड़ाव, इसे हम सीधे कहेंगे परस्पर संबद्धता यानी परस्पर संबंध, स्पष्ट हुआ। तो परस्पर संबंध संबंधी नियम, इसे हम कहेंगे अन्विति संबंधी नियम। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं पहला नियम क्या है, या हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। पहला क्या था, पदक्रम संबंधी नियम, तो वह हो गया। दूसरा क्या है, अन्विति संबंधी नियम, और अन्विति संबंधी नियम का पहला उपनियम हम पढ़ रहे हैं, यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है। परसर्ग हम पढ़ चुके हैं, आप विभक्ति जाकर कारक चिन्हों को आप जाकर पढ़िए, वह एपिसोड देखिए, यह चीज आपको पता चल जाएगा परसर्ग रहित और परसर्ग सहित क्या होता है। तो दोस्तों यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया उसी के अनुसार बदलती है, यानी कर्ता के अनुसार यहां क्रिया बदलेगी, स्पष्ट हुआ। जैसे बच्चे दौड़ते हैं, जैसे वाक्य है बच्चे दौड़ते हैं, स्पष्ट हुआ। तो दौड़ना यहां क्रिया है, यहां बच्चा संज्ञा है, कर्ता है। तो यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित हो, तो हम देख रहे हैं कि जो कर्ता की जो संज्ञा है यह परसर्ग रहित है, यहां कोई विभक्ति या कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां कोई विभक्ति परसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहां बच्चे दौड़ते हैं, तो यहां लिख कह रहा है क्रिया उसी के अनुरूप होगी, क्रिया किसके अनुरूप होगी, कर्ता के अनुरूप होगी। तो बच्चे दौड़ते हैं, तो दोस्तों बच्चे दौड़ते हैं, यहां बच्चे पुलिंग है तो क्रिया भी क्या है, पुलिंग है, देख रहे हैं दौड़ते हैं। अगर यहीं पर अगर लिख दिया जाए बच्चियां दौड़ती हैं, तो यहां क्रिया बदल गई, यहां दौड़ते हैं, यहां दौड़ती हैं, यह दौड़ती है किससे बना है, बच्चियों से। तो यह कर्ता के अनुसार क्रिया परसर्ग रहित है, अगर कर्ता अगर परसर्ग रहित है तो जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार, कर्ता की संज्ञा के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चियां दौड़ती हैं, बच्चे आम खा रहे हैं, बच्चियां आम खा रही हैं। तो दोस्तों पहला नियम यह कह रहा है कि कर्ता की संज्ञा यदि परसर्ग रहित है तो जो क्रिया होगी वह कर्ता की संज्ञा के अनुरूप अपने आप को बदल लेगी। जैसे दौड़ना क्रिया है तो यहाँ दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चा दौड़ता है, एक वचन है तो बच्चा दौड़ता है, दो बहुवचन है तो बच्चे दौड़ते हैं, बच्चियाँ दौड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या है, क्रिया कर्म कर्ता के अनुरूप अपने आप को बदल रही है और यह परसर्ग रहित संज्ञा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरे नियम की चर्चा कर ले जाए, यदि कर्ता के साथ परसर्ग युक्त हुआ प्रयुक्त हुआ है, यानी कर्ता परसर्ग सहित है, तो क्रिया परसर्ग रहित कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। तो यहां पर क्रिया ध्यान दीजिएगा परसर्ग रहित, यहां क्रिया कर्म के संज्ञा के अनुसार, यहां कर्म जो है यह परसर्ग रहित है, ध्यान दीजिएगा, तो कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। दूसरा नियम है कि कर्ता तो परसर्ग युक्त है, लेकिन जो कर्म है वह परसर्ग युक्त नहीं है, यानी परसर्ग से रहित है, तो जो क्रिया है वह कर्म की संज्ञा के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेगी। जैसे कहें लड़कों ने आम खाए, यहां लड़कों ध्यान दीजिएगा, लड़कों ने आम खाए, यहां आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लड़कों ने, तो यहां जो कर्ता है यहां परसर्ग प्रयुक्त किया गया है ने, कर्ता ने, आप देख रहे हैं लड़कों ने आम खाए, यहां देख रहे हैं आम जो कर्म है यहां पर परसर्ग नहीं थे, यहां परसर्ग रहित है।
अगर यह शब्द होता लड़कों ने आम को खाया तो आम को यहाँ पर भी परसर्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, आम जो है यह परसर्ग रहित है, तो जो यह क्रिया होगी यह परसर्ग कर्म के अनुरूप होगी। तो लड़कों ने आम खाए, स्पष्ट हो रहा है ना, यहाँ पर अगर आम खाए स्पष्ट हो रहा है, यानी आम के अनुसार क्रिया है, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है। यही अगर कहा जाए लड़कियों ने आम खाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ लड़के बहुवचन में लड़कों हैं, यहाँ लड़कियों हैं, लेकिन यहाँ आम हम देख रहे हैं कि एक वचन में है, तो यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन कर्ता के अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि कर्म के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया एक समान है। लड़कों ने आम खाए, लड़कियों ने आम खाए, ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने आम खाई, यह गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि कर्ता यहाँ परसर्ग युक्त है और कर्म परसर्ग रहित है, ऐसे में जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करेगी। तो लड़कों ने आम खाए, लड़कियों ने आम खाए, दोस्तों यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरा नियम यह दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर कहा जाए लड़कों ने रोटियां खाई, दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं रोटियां खाई, लड़कियों ने रोटियां खाई, यहाँ दोस्तों देख रहे हैं यहाँ लड़का पुलिंग है, लेकिन रोटी स्त्रीलिंग होने के कारण यह क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग के रूप में दिखाई दे रही खाई। तो दोस्तों यह क्रिया जो है यह किससे निर्धारित की गई है, परसर्ग रहित कर्म से निर्धारित की गई है। तो लड़कों ने रोटियां खाई, लड़कियों ने रोटियां खाई, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि रोटी से ही यहाँ कर्म निर्धारित किया गया है, स्पष्ट हुआ। तो दूसरा नियम हमारा यह कह रहा था कि यदि कर्ता परसर्ग युक्त हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार बदलती है, दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित है, कर्ता भी परसर्ग युक्त है और क्रिया भी परसर्ग युक्त है, तो क्रिया उन दोनों से अन्वित न होकर, क्रिया उन दोनों से परस्पर अन्वित नहीं होती है, मेल नहीं खाती है, न होकर पुलिंग एक वचन अन्य पुरुष के रूप में आती हैं। अगर दोनों परसर्ग सहित हैं तो जो क्रिया होगी वह पुलिंग में आएगा, एक वचन में आएगा और अन्य पुरुष के रूप में आएगा, यह तीसरा नियम है। जैसे लड़कों ने आमों को खाया, आप यहाँ खाया जो शब्द देख रहे हैं, यहाँ लड़कों बहुवचन है, आमो बहुवचन है, लेकिन यहाँ भी परसर्ग है, यहाँ भी परसर्ग है, कर्म के साथ भी परसर्ग है और कर्ता के साथ भी यहाँ परसर्ग है। यहाँ जो खाया शब्द है यह पुलिंग है, खाई नहीं है, खाया है, पुलिंग है, एक वचन प्रयुक्त किया गया है, जबकि दोनों आमो और लड़कों क्या है, बहुवचन है और अन्य पुरुष में है खाया। तो दोस्तों लड़कों ने आमों को खाया, यह तीसरा नियम है कि अगर कर्ता और कर्म दोनों अगर परसर्ग युक्त हैं तो जो क्रिया होगी वह एक वचन पुलिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी। तो यहाँ लड़कों ने आमों को खाया। इसके बाद अन्य उदाहरण दें तो लड़कियों ने आमों को खाया, लड़की यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग होने के बावजूद आप देख रहे हैं खाया शब्द एक वचन पुलिंग और अन्य पुरुष में है। तो लड़कों ने आमों को खाया, लड़कियों ने आमों को खाया, इसमें कोई अंतर नहीं है। लड़कियों ने रोटियों को खाया, तो रोटियों को खाया पहले क्या था, लड़कों ने रोटियां खाई, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, रोटियों को खाया, यह अन्य पुरुष में। तो दोस्तों यहाँ तीसरा नियम है कि कर्ता और कर्म दोनों यदि परसर्ग युक्त हैं तो जो क्रिया होगी वह पुलिंग एक वचन और अन्य पुरुष के अनुसार प्रयुक्त की जाएंगी, यह तीसरा नियम था। चौथे नियम की हम चर्चा करें तो कर्ता में यदि, चौथा नियम कह रहा है, कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं
और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है। यहां कह रहे हैं कर्ता में यदि समान लिंग वाली, अगर एक ही लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं हैं, बहुत सारी संज्ञाएं हैं और एक से जुड़ी हैं और शब्द से जुड़ी हैं, तो क्रिया जो होती है वह बहुवचन में प्रयोग की जाती है। जैसे यदि हम कहें मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, यहां स्पष्ट है जा रहे हैं, तो यहां बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है और मोहन, सोहन, दीपक और शब्द से संयुक्त हैं। यहां देख रहे हैं मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त की गई है। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। अगर यही हो रामा, श्यामा और गीता लखनऊ आ रहे हैं, तो दोस्तों यहां देख रहे हैं कि यह बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह हम देखें, अगले नियम की बात करें तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए, अगर विभिन्न संज्ञाएं हैं कर्ता में, एक समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं हैं और ये और शब्द से जुड़ी हैं, तो क्रिया बहुवचन में होती हैं। जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, रमा, श्यामा और गीता फिल्म देखने जाएंगी, तो जाएंगी शब्द क्या है, बहुवचन में है, तो स्पष्ट हुआ। आगे हम देखें यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। स्पष्ट ध्यान दीजिएगा, यदि कर्ता में संज्ञाएं या शब्द से, यहां और शब्द से जुड़ी थी, यहां या शब्द से जुड़ी हैं, तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार, यानी अंतिम जो संज्ञा शब्द होता है उसके अनुसार बदलती है। जैसे यदि कहा जाए मोहन, सोहन या गीता जाएगी, मोहन, सोहन या गीता जाएगी, तो दोस्तों यहां जो गीता शब्द है, यहां जो क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, मोहन, सोहन दोनों पुलिंग हैं और यहां पर गीता है और या शब्द से जुड़े हुए हैं, तो अंत में हम देख रहे हैं अंतिम जो संज्ञा पद है वह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग अंतिम है और एक वचन में है, तो यहां जाएगी शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम जो क्रिया है अंतिम संज्ञा पद के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करेगा, तो मोहन, सोहन या गीता जाएगी। स्पष्ट हुआ, जाएंगी नहीं होगा, जाएगी, स्पष्ट हो रहा है ना, अंतिम संज्ञा पद के अनुसार क्रिया अपने आप को परिवर्तित करेगी। इसी तरह अगर कहा जाए रामा, श्यामा या मोहन जाएगा, तो दोस्तों रामा, रामा, श्यामा या मोहन जाएगा, यहां हम देख रहे हैं मोहन के अनुसार यह क्रिया प्रयुक्त की गई है। रामा, श्यामा क्या स्त्रीलिंग है, जबकि मोहन यहां पुलिंग है और क्रिया यहां पुलिंग के अनुसार एक वचन में आया हुआ है, मोहन एक वचन में है, तो रामा, श्यामा या मोहन जाएगा, तो दोस्तों यह जाएगा अंतिम या के बाद जो अंतिम जो संज्ञा शब्द है इसके अनुसार क्रिया ने अपना रूप परिवर्तित किया है या इसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यह पांचवा नियम था। स्पष्ट हुआ, यदि कर्ता में संज्ञा या से जुड़ी हुई है तो क्रिया अंतिम संज्ञा के पद के अनुसार परिवर्तित होती है। छठा नियम है कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं, यहाँ समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती हैं। छठा नियम है। तो जैसे अगर हम कहें सभी छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी छात्र और छात्राएं, सभी छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ले रहे
हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि छात्र पुलिंग है, छात्राएं स्त्रीलिंग है, दोनों छात्र एक वचन में है, छात्राएं बहुवचन में है। यहाँ हम देख रहे हैं सभी छात्र एवं छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, यहाँ पुलिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह अगला नियम है, कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हुई हैं तो क्रिया सदैव हमेशा पुलिंग बहुवचन में प्रयोग की जाती है। जैसे सभी छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, सभी लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, तो यहां खेल रहे हैं क्या है, पुलिंग बहुवचन में प्रयोग किया गया है, जबकि लड़कियां यहां बहुवचन स्त्रीलिंग में है। इसके बावजूद छठा नियम यहां कार्य कर रहा है कि कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और शब्द से जुड़ी हुई हैं तो क्रिया सदैव पुलिंग बहुवचन में आती है। अगला नियम है आठवां नियम, क्या कह रहा है, आठवें नियम में हम देख रहे हैं कि कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है। कर्ता में यदि सर्वनाम पद हैं तो इनका क्रम इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। अगर कर्ता में सर्वनाम पदों का अगर क्रम अगर निर्धारित किया जाए तो पहले मध्यम पुरुष होता है, फिर बीच में अन्य पुरुष होता है और अंत में उत्तम पुरुष होता है, और जो क्रिया होती है वह उत्तम पुरुष के अनुसार अपने आप को बदलती है। जैसे यह आठवां नियम हो गया, तो आठवें नियम का उदाहरण आप देखें, आप वे और हम लोग फिल्म देखने चलेंगे, आप वे और हम फिल्म देखने चलेंगे। यहां हम देख रहे हैं आप मध्यम पुरुष, वे अन्य पुरुष और हम उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो व्यक्ति जो कह रहा होता है वह उत्तम पुरुष होता है, इसे प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, जिससे कह रहा होता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में कोई अन्यत्र अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर वह कह रहा है तो वह अन्य पुरुष होता है। जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, राम श्याम से और एक तीसरा व्यक्ति है सोहन, राम श्याम से सोहन के बारे में कोई बात कह रहा है, तो राम श्याम से सोहन के बारे में कह रहा है तो राम यहां प्रथम पुरुष है या जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, श्याम से कह रहा है तो श्याम मध्यम पुरुष है, और सोहन के बारे में बात कह रहा है तो सोहन अन्य पुरुष है। तो यहां देख रहे हैं कि हम फिल्म, आप वे और हम फिल्म देखने चलेंगे, यानी हम ये बात कह रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष है तो अंत में आया है, मध्यम पुरुष आप, यानी हम कह रहे हैं आप, तो आप पहले आया है, मध्यम पुरुष पहले है, वे यानी किसी अन्य के बारे में हम कह रहे हैं तो वे अन्य पुरुष है, मध्य में आया है, हम उत्तम पुरुष है यानी प्रथम पुरुष है, हम अंत में आए हैं, और हमारे अनुसार यानी उत्तम पुरुष के अनुसार यहाँ क्रिया निर्धारित की गई है, तो आप वे और हम फिल्म देखने चलेंगे। स्पष्ट हुआ? तो जो आठवां नियम है यह बता रहा है कि आप वे और हम फिल्म देखने चलेंगे। अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं तुम या तू, मदन और मैं गाना नहीं गा सकता, तू मदन और मैं गाना नहीं गा सकता, तुम, यहां ध्यान दीजिएगा, तू मदन और मैं गाना नहीं गा सकता। यहां दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, सकता जो शब्द है मैं के अनुरूप है, मैं गाना नहीं गा सकता। यहां ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहां बच्चे गलती करते हैं, तू मदन और मैं गाना नहीं गा सकते, तो सकते नहीं होगा। कारण क्या है कि यह नियम कह रहा है कि जो मैं अन्य उत्तम जो पुरुष है उसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग होगा, तो यहां मैं है, मैं गाना नहीं गा सकता, स्पष्ट है, तो तू मदन और मैं गाना नहीं गा सकता, स्पष्ट हुआ। तो यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जो उत्तम पुरुष होगा, जो अंत में जो पास आएगा, क्रिया उसी के अनुरूप प्रयोग की जाएगी, उसी के अनुसार वह क्रिया अपने आप को परिवर्तित कर लेगी।
तो यह आठवां नियम था। नवे नियम की चर्चा की जाए तो नवा नियम है प्रायः आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं। प्रायः आकारांत विशेषण अपने लिंग वचन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, आकारांत विशेषण यानी ऐसा विशेषण जिसका अंत आ की मात्रा के साथ होता हो, अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं। जैसे यदि हम काला अगर शब्द है तो काला क्या है, विशेषण है और यह आकारांत है। काला शब्द में अंत में क्या आया हुआ है, आ मात्रा आया हुआ है, तो यहाँ काला है, तो विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं। अगर हम कहें काला कुत्ता, स्पष्ट हुआ, तो कुत्ता शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ काला कुत्ता यहाँ सही है। लेकिन अगर हम कहें काला बिल्ली, काला बिल्ली, तो दोस्तों हम देख रहे हैं बिल्ली स्त्रीलिंग है तो यहाँ काला नहीं होगा, यह बिल्ली के लिंग के अनुसार यह परिवर्तित होकर क्या होगा, काली बिल्ली। तो यहाँ स्पष्ट है कि प्रायः आकारांत जो विशेषण है अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं, जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली। छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, यहाँ आप देख रहे हैं छोटा बच्चा, यहाँ छोटा जो विशेषण है अंत में आ की मात्रा आया हुआ है यानी आकारांत है, तो यह बच्चा एक वचन में है तो यहाँ छोटा बच्चा। वही अगर बात कही जाए तो छोटा बच्ची हम नहीं कह सकते हैं बल्कि छोटी बच्ची की बात की जाएगी। तो हम देख रहे हैं दोस्तों बच्ची स्त्रीलिंग है तो यहाँ छोटी हो गया है। तो इस तरह से नवा नियम है कि आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं या परिवर्तित होते हैं। दसवीं की बात की जाए, यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं, यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वित होते हैं। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं, विशेष जो है उसके स्थान पर एक से अधिक क्या है, संज्ञाएं हैं, तो जो विशेषण होगा वह निकटवर्ती विशेष के अनुसार अन्वित होगा। जैसे यदि कहा जाए छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, यहां हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि विशेष, यहाँ विशेष क्या है, बच्चे और बच्चियाँ, यानी विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यदि विशेष के स्थान पर एक से अधिक संज्ञा है, यहाँ एक संज्ञा बच्चे हैं और यहाँ दूसरी संज्ञा बच्चियाँ हैं, यानी एक से अधिक संज्ञाएं हैं, तो विशेषण जो होता है वह निकटवर्ती विशेष के अनुसार अन्वित होता है। तो यह विशेषण है छोटे बड़े क्या है, विशेषण है, तो यह विशेषण किसके अनुसार, यानी निकटवर्ती विशेष के अनुसार अपने आप को बदलेगा, यानी छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, स्पष्ट हो रहा है। इसी को अगर थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, इसे ऐसे आप समझ सकते हैं, छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे, और बच्चे, यहाँ छोटी बड़ी हो गया, कारण क्या है कि निकट में यहाँ बच्चियां शब्द आया हुआ है, यहाँ छोटे बड़े हैं, यहाँ निकट क्या है, बच्चे शब्द है। तो दोस्तों यह जो विशेष्य के अनुसार यह विशेषण अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे, शब्द एक ही है, देख रहे हैं ना, केवल बच्चे बच्चियां को हम अलट पलट दे रहे हैं, तो यहाँ छोटे बड़े यहाँ छोटी बड़ी के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो दोस्तों यह दसवां नियम था कि यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो दोस्तों अन्विति संबंधी नियम समाप्त हुआ, 10 नियम थे। अब हम आते हैं रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी नियमों पर आते हैं और इसकी चर्चा करते हैं, रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी नियम। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इस पहला नियम क्या है, हिंदी में कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वैकल्पिक है, हिंदी में कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वैकल्पिक है, हिंदी में कर्ता और कर्म के स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है, यह वैकल्पिक है। इसमें विकल्प दिया हुआ है कि आप चाहें तो कर्ता के स्थान पर कर्म का प्रयोग करें, कर्म के स्थान पर आप कर्ता का प्रयोग करें। आप अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, अभी तक तो हमने ऐसा कभी किया नहीं। तो दोस्तों हिंदी में यह वैकल्पिक है तो हम इसकी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध
पीता है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा जो है करता है, दूध यहाँ कर्म है और पीना यहाँ क्रिया है। यह पदक्रम मैंने पहले पदक्रम संबंधी नियम में मैंने यह बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ कह रहा हूँ रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी नियम। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि बच्चा के स्थान पर दूध और दूध के स्थान पर हम बच्चा को कर सकते हैं। हिंदी में यह जो व्यवस्था है यह वैकल्पिक व्यवस्था है और ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके अनुसार शर्त भी है दोस्तों। अगर ऐसा किया जाता है तो के द्वारा, ध्यान दीजिए, के द्वारा या द्वारा या से शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अगर यह विकल्प अगर परिवर्तन करते हैं तो के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग आपको करना पड़ता है। जैसे बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, यह ऐसे भी हो सकता है बच्चा दूध पीता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है। यहां आप देख रहे हैं बच्चा दूध पीता है, इसे हम दो रूपों में परिवर्तन किए हैं। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चा यहाँ करता है पहले है, दूध यहाँ कर्म है और बाद में आया हुआ है, लेकिन हम उसे बदल करके यहाँ लिख रहे हैं दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है, दूध यहाँ कर्म है पहले है, बच्चा यहाँ करता है और कर्म के बाद आया हुआ है, लेकिन दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है और दोनों वाक्य सही हैं, कोई वाक्य गलत नहीं है। तो हिंदी में यह जो परिवर्तन है यह वैकल्पिक है, इसमें के द्वारा, द्वारा या से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है या दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है, दोनों का अर्थ समान है और कर्म की जगह पर कर्ता और कर्ता की जगह पर यहाँ कर्म का प्रयोग किया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ कर्ता पहले है, कर्म बाद में है, यहाँ कर्म दूध बाद में है, यहाँ दूध जो कर्म है यह पहले है और बच्चा जो करता है वह बाद में आया हुआ है। तो यह वैकल्पिक व्यवस्था हिंदी में है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं कर्ता को कर्म के स्थान पर तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है और चाहे तो यथावत रूप में रखा जा सकता है। यानी जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही होगा, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता जा रहा है या दूध बच्चे के द्वारा पिया जा रहा है, दोनों सही है और या यथावत रूप में भी हम इसे रख सकते हैं। यह पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? कर्ता के बाद के द्वारा या द्वारा अथवा से पर सर्ग लगाया जाता है। ऐसे शब्दों में कर्ता के द्वारा या से पर सर्ग लगाना पड़ता है। यहां लिखा गया है प्रायः विधानवाचक वाक्यों में द्वारा, के द्वारा तथा निषेधात्मक वाक्यों में से का प्रयोग होता है। यह महत्वपूर्ण है, द्वारा के द्वारा विधानवाचक शब्दों में और जो से है यह निषेधात्मक शब्दों में वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात कही जाए कि मां नहीं चल पा रही है, मां नहीं चल पा रही है, तो दोस्तों नहीं चल पा रही यहां क्या है? निषेध है, निषेधात्मक वाक्य है, मां नहीं चल पा रही है, तो इसे बनाया जा सकता है मां से नहीं चला जा रहा है। यहां हम देख रहे हैं मां से नहीं चला जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है ना? तो यहां मां नहीं चल पा रही है या मां से नहीं चला जा रहा है, यह दोनों वाक्य सही है। तो दोस्तों यहां से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः निषेधात्मक वाक्यों में से का और विधानवाचक शब्द वाक्यों में के द्वारा या द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह दूसरा नियम था। तीसरे नियम की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा नियम है सरल वाक्यों को प्रेरार्थक वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रेरार्थीकरण कही जाती है। यह पूछा जा सकता है कि प्रेरार्थीकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों सरल वाक्यों को प्रेरार्थक वाक्य में परिवर्तन करने की क्रिया, कोई सरल वाक्य है और इसे प्रेरार्थक वाक्य में परिवर्तन करने की जो क्रिया है इसे प्रेरार्थीकरण कहा जाता है। इस परिवर्तन में एक ओर अकर्मक या सकर्मक क्रिया को प्रेरार्थक क्रिया में बदला जाता है तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी अकर्मक या सकर्मक क्रिया को प्रेरार्थक क्रिया में बदल दिया जाता है और
प्रेरक संज्ञाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। हिंदी में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप प्रायः आ जोड़कर तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वा जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, वा जोड़कर बनाया जाता है। तो इस पर हम चर्चा थोड़ी देर बात करते हैं। हम पहले आते हैं यहाँ पर तीसरे नियम में कि प्रेरणार्थक वा, तो इस परिवर्तन में कर्मक या सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है और दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चा दूध पीता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा दूध पीता है, यहां स्पष्ट हुआ। तो यह सामान्य वाक्य हुआ। अब यह कह रहा है कि इसे प्रणार्थीकरण करना है, यानी प्रेरक वाक्य में इसे परिवर्तित करना है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यह हो सकता है ना, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि माँ जो है यह प्रेरक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, माँ जो है यह क्या है, प्रेरक संज्ञा है। और माँ क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाने की प्रेरणा वो दे रही है बच्चे को। तो माँ यहाँ क्या है, प्रेरक संज्ञा है, स्पष्ट है। तो यहाँ पीता है, बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, स्पष्ट हुआ। तीसरा प्रेरार्थक के तीसरा दो प्रेरा, माँ, ध्यान दीजिएगा, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। यहां ध्यान दीजिएगा, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, यह तीसरा वाक्य था। तो माँ आया से, माँ यहाँ जो है यह प्रथम प्रेरक हुई और आया जो है यहाँ द्वितीय प्रेरक हुई। यह प्रथम प्रेरक संज्ञा है माँ और आया यहाँ द्वितीय प्रेरक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, यहाँ क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। यह जो क्रिया है यह मूल क्रिया है, पीना क्या है, पीना मूल क्रिया है, पिलवा पीता है, पिलवाती है और पिलाती है और पिलवाती है, स्पष्ट हो गया। तो बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। तो यहाँ पर एक प्रेरार्थक क्रिया है और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ डबल प्रेरार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। यहाँ माँ क्या है, एक प्रेरार्थक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर माँ और आया, यहाँ पे माँ के रूप में एक प्रेरार्थक संज्ञा है और आया दूसरी प्रेरार्थक संज्ञा है। और इस प्रकार से तीसरे वाक्य में दो प्रेरार्थक संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। तो जो प्रेरार्थक संज्ञाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, इसी के अनुरूप क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है। अगर सरल वाक्य को अगर हम प्रेरार्थक क्रियाओं में बदलते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम कहें तो यह मूल क्रिया हुआ, मूल क्रिया, यहां प्रथम प्रेरार्थक क्रिया, यहां द्वितीय प्रेरार्थक क्रिया। अब हम इसे कहें पीना शब्द है, पीना क्या है, मूल क्रिया है पीना, स्पष्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल क्रिया क्या है, पीना। लेकिन अगर प्रथम प्रेरार्थक क्रिया में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका होगा पिलाना और द्वितीय प्रेरार्थक क्रिया में होगा पिलवाना, स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर कहा जाए तो यहां पर करना मूल क्रिया है, करना, यहां पे करना, यहाँ पे देखेंगे तो कराना प्रथम है और करवाना यहाँ पर द्वितीय प्रेरार्थक क्रिया है। ऐसे ही लिखना यह मूल क्रिया है, इसके बाद लिखाना या प्रथम, लिखाना या प्रथम प्रेरार्थक क्रिया है और लिखवाना, लिखवाना द्वितीय प्रेरार्थक क्रिया है। यहाँ अगर कहा जाए करना, कराना और करवाना, स्पष्ट हो रहा है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरार्थक क्रिया, स्पष्ट हो रहा है। जैसे करना, राम काम करता है, यह सामान्य शब्द हुआ। राम श्याम से, ध्यान दीजिएगा, राम काम कराता है, राम काम करता है, स्पष्ट हुआ।
राम किसी भी औजार से काम करता है, या कहें राम कुदाल से काम कर रहा है, या कोई भी अगर चीज हम ले लें तो काम कराना हो गया, राम काम कराना कराता है और राम काम करवाता है, स्पष्ट हो रहा है, राम काम करता है, राम काम कराता है, राम काम करवाता है, स्पष्ट हुआ ना। तो दोस्तों मूल क्रिया प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीय प्रार्थक क्रिया, स्पष्ट हो रहा है। तो मूल क्रिया में को प्रथम प्रार्थक क्रिया बनाने के लिए जो मध्य का वाक्य होता है इसमें आ का मात्रा जोड़ दिया जाता है, यही कहा गया प्रायः आ जोड़ दिया जाता है, पीना पिलाना, बीच में देख रहे हैं आ वर्ड जुड़ा हुआ है, करना कराना, लिखना लिखाना। इसे द्वितीय प्रार्थक क्रिया बनाने के लिए वा जोड़ा जाता है, जैसे पीना पिलवाना, लिखना लिखवाना, वा शब्द जुड़ा हुआ है, लिखना लिखवाना। तो दोस्तों हमेशा यह ध्यान रखिएगा जब भी प्रार्थक क्रिया की बात की जाएगी तो प्रथम प्रार्थक क्रिया में आ जुड़ा होता है और द्वितीय प्रार्थक क्रिया में वा जुड़ा होता है, यह मूल अंतर है दोनों के बीच। तो दोस्तों इस तरह से प्रार्थक संज्ञाओं का प्रयोग और प्रार्थक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, राम काम करता है, राम मोहन से काम कराता है, राम मोहन से काम सोहन, राम सोहन से काम करवाता है। तो दोस्तों कराता है, करवाता है, करता है, तो यह क्या है, मूल क्रिया है, प्रथम प्रार्थक क्रिया है और द्वितीय प्रार्थक क्रिया है। चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथे नियम की चर्चा की जाए तो चौथा नियम है वर्तमान काल के वाक्यों का सामान्य भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि धातु व्यंजनांत है तो आ ही बना रहता है, जबकि स्वरांत धातुओं में आ का परिवर्तन या में हो जाता है। सामान्य वाक्य है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल है और इसे सामान्य भूतकाल में बदलना है तो उसमें धातु में आ जोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़, तो इसमें हम आ जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पढ़ा, राम ने किताब पढ़ा। तो पढ़ा शब्द क्या हो गया, सामान्य भूतकाल में बदल गया, स्पष्ट हुआ, पढ़ में आ जोड़ा तो यह शब्द पढ़ा हुआ और यह सामान्य भूतकाल का यह क्रिया, भूतकाल की यह क्रिया हो गई। ऐसे ही अगर हम देखें लिख, आ जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा लिखा, राम ने लिखा, श्याम ने लिखा, तो यह सामान्य भूतकाल की क्रिया। तो दोस्तों यदि हम वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान में अगर सामान्य भूतकाल को बनाने के लिए अगर आ जोड़ दे आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह सामान्य भूतकाल वह बन जाता है। ध्यान दीजिएगा अगर व्यंजनांत है जैसे पढ़ लिख या व्यंजन से अंत हो रहा है तो इसमें आ जोड़ते हैं, लेकिन यदि स्वरांत में अगर अंत हो रहा है तो आ का रूपांतरण या में हो जाता है। जैसे यदि कहा जाए आ आना, तो दोस्तों ना यहां क्या है, यह स्वरांत में प्रयुक्त हुआ है तो इसका जो रूपांतरण होगा या में हो जाएगा, यानी आ क्या होगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आया, राम आया, सामान्य भूतकाल की क्रिया बन गई। ऐसे ही कहें राम आया, सोना, सोना यहां क्या है, ना यहां देख रहे हैं स्वरांत में प्रयुक्त हुआ है तो यहां पर या शब्द हो जाएगा, इसका अर्थ होगा सोया, श्याम सोया, यह सामान्य भूतकाल का वर्ड बन जाता है। तो अगर व्यंजनांत में अंत होता है तो आज जुड़कर सामान्य भूतकाल में उसे परिवर्तित करके क्रिया बनती है। और अगर स्वरांत अगर है, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यंजनांत है तो आ जोड़ करके उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाया जाता है, जैसे पढ़ तो आ जोड़कर पढ़ा, लिख तो लिखा, ऐसे ही अगर देखा जाए चल तो चला, स्पष्ट हुआ। अगर ऐसे ही देखा जाए अगर व्यंजनांत अगर न हो करके अगर स्वरांत में अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो आ की जगह पर या का प्रयोग होने लगता है, जैसे सोना तो सोया, आना तो आया, खाना तो खाया, तो यह खाया खाना का खाया। तो दोस्तों यह सामान्य भूतकाल का की यह क्रिया
बन रही है। तो चौथा नियम यह है। पांचवें नियम की अगर चर्चा करें तो लिंग वचन के परिवर्तन के अनुसार प्रत्ययों के रूप या ए ई तथा ई रूप बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन के परिवर्तन के अनुरूप प्रत्ययों के रूप बदलते हैं। जैसे लड़का आया, लड़का आया, स्पष्ट हुआ। तो लिंग एक वचन है लड़का, तो इसमें जो है या शब्द का प्रयोग किया गया है, लड़का आया। यहां हम देख रहे हैं वचन, जैसे लड़के तो आए, यहां क्या हुआ, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, लड़के आए। लड़के बहुवचन हो गए तो आना शब्द भी क्या हुआ, बहुवचन में परिवर्तित होकर आए हो गया। अब हम देखें लिंग के अनुसार, तो लड़की आई, तो लड़की आई यहां हम देख रहे हैं यानी एक वचन में है, लड़कियां लड़कियां आई, यहां देख रहे हैं ई के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो यह बहुवचन में हो गया लिंग के अनुसार। तो दोस्तों लिंग और वचन के परिवर्तन के अनुसार प्रत्ययों के रूप में आ या ए ई या ई के रूप में भी बनते रहते हैं और इस प्रकार से यह परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो वाक्यों में हमें इन परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। रूपांतरण हस्तांतरण संबंधी छठवां नियम है, सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद नेपसर्ग का प्रयोग होता है। यदि सकर्मक क्रिया है, यदि कर्मयुक्त अगर क्रिया है, तो भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद नेपसर्ग का प्रयोग होता है। जबकि अकर्मक यानी कर्म जिसमें नहीं हो जिस वाक्य में, तो अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ नेपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, यह सामान्य सेंटेंस हुआ, सामान्य वर्तमान काल हुआ। तो लड़का जाता है को क्या हुआ, लड़का गया, भूतकाल बना तो क्या हुआ, लड़का गया। यहां हम देख रहे हैं यहां कर्म कुछ नहीं है, लड़का गया, लड़का यहां करता है, जाना यहां क्रिया है, लड़का गया यहां कर्म नहीं है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्य के साथ नेपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कर्म अगर युक्त है तो इसमें नेपसर्ग का प्रयोग होता है सामान्य भूतकाल में। लड़का आम खाता है अगर प्रयोग किया जाए, सामान्य वर्तमान का यह वाक्य है, लड़का आम खाता है, यहां हम देख रहे हैं लड़का आम खाता है, आम के साथ किसी परसर का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इसी को अगर हम सामान्य भूतकाल में अगर परिवर्तित अगर कर दें तो यह हो जाएगा, लड़का ने, ध्यान दीजिएगा सामान्य भूतकाल में क्या होगा, लड़का है तो लड़के ने आम खाया। तो यहां देख रहे हैं लड़का आम खाता है, यहां लड़के ने आम खाया, स्पष्ट हुआ। तो यहां जो लड़के है, यहां खाया शब्द बता रहा है कि लड़का एक ही है, खाया शब्द बता रहा है लड़का क्या है, एक वचन में है। तो लड़के ने आम खाया, यहां नेपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लड़का जाता है, लड़का गया, स्पष्ट हुआ, यहाँ नेपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन लड़का आम खाता है, यहाँ कर्म होने के कारण इसे भूतकाल की क्रिया बनाते समय नेपसर्ग का प्रयोग किया गया है, लड़के ने आम खाया। तो यह जो था हमारा छठा नियम था। आगे हम बात करें तो यह रूपांतरण या स्थानांतरण संबंधी नियम था। अन्य नियमों से संबंधित, तो अन्य नियमों से संबंधित हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अन्य नियमों से संबंधित परसर्ग, पुनरुक्ति, वचन, लिंग, वर्ण प्रयोग, विराम चिन्ह आदि से संबंधित नियम है। तो परसर्ग से संबंधित नियम क्या होंगे, तो जैसे मोहन के एक बेटा है, अगर हम कहें मोहन के एक बेटा है, तो दोस्तों यहां जो के परसर्ग लगा हुआ है यह गलत है, यहां पे अशुद्धि है। यह शुद्ध क्या होगा, मोहन का एक बेटा है, यह क्या हुआ, यह वाक्य शुद्ध है। जबकि यह वाक्य मोहन के एक बेटा है अशुद्ध है। तो परसर्ग संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं, तो परसर्ग को हमें जानना जरूरी होता है। जो ये कारक चिन्ह होते हैं परसर्ग, विभक्ति होती है, तो आप जाकर कारक वाले चैप्टर को देख लीजिएगा,
एपिसोड पीछे पढ़ा चुके हैं उसे आप देख लीजिएगा। यह होगा मोहन का एक बेटा है, यह सही है। तो परसर्ग संबंधी भी नियम होते हैं, इसमें भी अशुद्धियां होती हैं, तो वाक्य संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे हम देखें पुनरुक्त संबंधी भी नियम होते हैं। पुनरुक्त संबंधी नियमों की अगर बात की जाए तो दोस्तों अक्सर एक ही शब्द दोहराए जाते हैं पुनरुक्त संबंधी नियम में। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, जैसे उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। पुनरुक्ति का मतलब हुआ कि एक ही वर्ड बार बार आए या एक से अधिक बार आए। तो यहां हम देख रहे हैं उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, यहां पुनरुक्ति दोष है दोस्तों। यह वाक्य दो तरह से बनाया जा सकता है, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, यह वाक्य सही है, यह गलत है, इसमें पुनरुक्ति दोष है। यह भी वाक्य सही है, उसने अपनी बात सप्रमाण कही। यहां हम देख रहे हैं कि या तो प्रमाण सहित होगा नहीं तो सप्रमाण होगा, क्योंकि यहां स के बाद यहां सहित का प्रयोग नहीं हो सकता है। या तो सहित सही है या फिर स सही है, कोई एक आएगा। तो उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, या दूसरा वाक्य है उसने अपनी बात सप्रमाण कही। तो दोस्तों यह दोनों वाक्य सही है, लेकिन यह वाक्य गलत है इसलिए कि उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, क्योंकि इसमें पुनरुक्ति दोष है। तो दोस्तों ये पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा आपस में परस्पर, या दोनों शब्द एक साथ नहीं आना चाहिए, परस्पर या आपस में एक साथ नहीं आना चाहिए। केवल मात्र एक साथ नहीं आना चाहिए, एक ही वाक्य में दोनों नहीं आने चाहिए। केवल मात्र दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, परस्पर आपस में एक साथ नहीं आना चाहिए। स शब्द और सहित शब्द एक साथ नहीं आना चाहिए, जैसे सप्रमाण सपरिवार, सपरिवार सहित आप पधारिए, तो सपरिवार पधारिए या परिवार सहित पधारिए। तो यहाँ स और सहित भी एक साथ नहीं आने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये पुनरुक्ति दोष माना जाएगा। तो स्पष्ट हुआ। ऐसे ही हम बात करें तो वचन संबंधी भी दोष होता है, जैसे दही खट्टी है। तो दोस्तों हमें यह जानना होगा दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों यह ध्यान देने योग्य बात है कि दही पुलिंग शब्द है तो दही खट्टा है दोस्तों, तो यह लिंग संबंधी दोष होगा। दही खट्टी है, यह गलत है। दही क्या है? दही खट्टा है, पुलिंग है। आप लिंग जाकर चैप्टर देख सकते हैं, वहां से चीज आप कैप्चर कर सकते हैं। तो लिंग संबंधी वहां नियम दिए हुए हैं। तो दही क्या है? पुलिंग है। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है। स्पष्ट हुआ। यहाँ वचन संबंधी भी दोष होता है, वर्ण प्रयोग संबंधी दोष होता है, जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। आगे हम देखें विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे अरे तुम जा रहे हो। यहाँ हम देख रहे हैं अरे तुम जा रहे हो, यह गलत है। कारण है कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, अरे तुम जा रहे हो। तो दोस्तों वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियां हो सकती है, इससे भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है। जैसे रुको मत जाओ। अगर यहाँ हम यहाँ रुको, अगर हम यहाँ अगर कौमा लगा दे रहे हैं रुको पर, तो इसका अर्थ हुआ कि रुकिए मत जाओ, मतलब मत जाओ। अगर यही कामा यहाँ हटा करके रुको के पास से हटा करके मत पे लगा दें तो रुको मत जाओ, इसका अर्थ हुआ कि तुम यहाँ मत रुको, जाओ। तो दोस्तों कौमा संबंधी या विराम चिन्ह संबंधी भी त्रुटियाँ होती हैं, जिससे भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य जो है यह सही से अर्थ नहीं दे पाते हैं। यहाँ दोस्तों अब ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जैसे के साथ तैसे का प्रयोग किया जाता है, जो के साथ त्यों का प्रयोग किया जाता है, जब के साथ कब का, कब के साथ जब का प्रयोग किया जाता है, क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग किया जाता है, यह आपको जानना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्नों पर, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो हम पांच मॉडल प्रश्नों के हमने पांच मॉडल
लिए हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक तो ऐसे पूछा जा सकता है, तो मैं सारी रात भर जागता रहा, तो दोस्तों यह अशुद्ध है। मैं सारी रात भर, यहाँ सारी शब्द भी है और रात भर भी शब्द है, तो दोस्तों यह वाक्य गलत है। मैं पूरी रात भर, पूरी भी और भर भी, मैं रात भर जागता रहा या मैं पूरी रात जागता रहा, यह सही होगा। तो पूरी और भर यहाँ पुनरुक्ति दोष है। मैं सारी रात जागता रहा, तो दोस्तों यह होगा मैं सारी रात जागता रहा, यह सही है। मैं पूरी तरह में जागता रहा, यह गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है, मैं सारी रात जागता रहा। स्पष्ट हुआ, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी सही है। अगला है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। एक वाक्य ऊपर दे देगा और पूछेगा इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों वाक्य का श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, यह वाक्य में पुनरुक्ति दोष है दोस्तों। यहाँ शब्द क्या आधिक्य है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, यह भी गलत है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, यह भी सही नहीं है। श्याम पौधे को सींच रहा है, यह सी सही है। मैं अभी बता रहा हूँ क्यों, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, यहाँ पदक्रम संबंधी त्रुटि है, तो श्याम पौधे को सींच रहा है। जो दोस्तों जो सिंचाई का कार्य होता है वह जल से ही होता है, तो जल यहाँ कहना जरूरी नहीं है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है या जल कहना जरूरी नहीं, यानी श्याम पौधे सींच रहा है, तो सिंचाई का काम किससे किया जाएगा, जल से ही किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। स्पष्ट हुआ, जैसे अगर कहें कि गर्म आग लाओ, तो दोस्तों आग तो गर्म ही होता है, तो हम गर्म नहीं भी कहेंगे तो आग आएगा तो गर्म ही होगा, स्पष्ट हो रहा है ना। तो गर्म आग लाओ यह क्या है, पुनरुक्ति दोष हो जा रहा है। तो श्याम पौधे सींच रहा है यह सही है। जल का प्रयोग यहाँ क्या है, वर्ण का आधिक्य है या पुनरुक्ति दोष यह पैदा कर रहा है। आगे हम देखें, अगला है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा, आवलिक चिन्ह है, मुझे आवलिक चिन्ह, रेलगाड़ी में यात्रा करना आवलिक चिन्ह, अच्छी लगती है आवलिक चिन्ह, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ चार विकल्प वाक्य के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें निम्न में से किस कहाँ गलती है, मुझे शब्द में गलती है, रेलगाड़ी में यात्रा करना में गलती है, अच्छी लगती है इसमें गलती है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा। तो दोस्तों हम वाक्य पहले तैयार करते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि अच्छी लगती है यह गलत है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे शब्द में क्या होगा, अच्छी लगती है में गलती है, यानी ऑप्शन सी होगा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यानी गलती कहाँ है, अच्छी लगती है, तो ऑप्शन सी यानी हमारा उत्तर होगा यहाँ पर। तो ऐसे भी हमें प्रश्न दे सकते हैं परीक्षा में कि वाक्य त्रुटि से संबंधित, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। अगला हम देखें, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, ऐसा भी दिया जा सकता है, प्रश्न ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो मैंने भी ऑप्शन है, यह काम कर लेना और अंत में चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ मैंने शब्द क्या है, गलत है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो अशुद्ध अंश है, मैंने यहाँ पर अशुद्ध अंश है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, कंचन एक कृष्णांगिनी युति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो अशुद्धि का नाम भी पूछा जा सकता है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, यहाँ इसमें कौन सी अशुद्धि दिखाई दे रही है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो दोस्तों कंचन एक कृष्णांगिनी युति है, कंचन भी सही है, एक भी सही है, युति है, यह भी सही है। यह कृष्णांगिनी जो वर्ड है, यह जो शब्द है, यह गलत है, कृष्णांगिनी शब्द होता ही नहीं है, यह शब्द निर्माण संबंधी त्रुटि है, यह शब्द निर्माण संबंधी त्रुटि है, कृष्णांगिनी शब्द नहीं होता है, यहाँ शब्द निर्माण में क्या है, अशुद्धि है, तो यह शब्द आखिर होता है क्या है, तो दोस्तों यह शब्द होता है कृष्णांगी,
कृष्णांगी का अर्थ होता है दुबली पतली छरहरी लड़की। तो कंचन एक कृष्णांगी युवती है, यानी कंचन एक दुबली पतली छरहरी बदन की क्या है, युवती है। स्पष्ट हुआ, यानी कृष्णांगनी जो वर्ण है यह शब्द निर्माण की अशुद्धि है, यानी ये शब्द का जो निर्माण किया गया है यही पे अशुद्धि है, ये वर्तनीगत अशुद्धि नहीं है, यह शब्द निर्माण में अशुद्धि है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यह शुद्ध वर्ण क्या होता है, कृष्णांगी होता है। तो दोस्तों आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का एपिसोड भी इसके लिए देख सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास देख रहे हैं 5 प्रश्नों के मॉडल हैं और 5 प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह एपिसोड देखने के लिए, आज हिंदी की यह अंतिम क्लास है और इससे पहले सारे लेखपाल में जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए चैप्टर हैं वो सब कुछ कवर किए जा चुके हैं। आप वहां जाकर इन सबको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल रूप दे सकते हैं। और इसी के साथ आज की यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।